नमस्कार वीएलई भाइयों, आप सभी लोगों के लिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आईबीएम स्किल बिल्ड के माध्यम से आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे वो प्रोसेस बताएंगे। अपनी डिजिटल सेवा पोर्टल से सीएससी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आकर आप इस तरीके से लेफ्ट में जो पैनल है उसमें आप आईबीएम स्किल बिल्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इस तरीके से एक मैसेज जनरेट होगा। ओके पर क्लिक कर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे चले जाएंगे। यहाँ आप कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद में उसका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, जन्म तिथि, उसके अलावा उसका जेंडर, ये सारी जानकारियां आप यहां एंटर करेंगे। उसके बाद एजुकेशन से संबंधित उसकी जो जानकारी है, उसने कितनी पढ़ाई कंप्लीट की है, वो जानकारी आपको लिखना है। ये सारी जानकारी कंप्लीट लिखने के बाद आप अगले स्टेप्स के ऊपर बढ़ जाएंगे। यहाँ मैं जन्म तिथि वाले एक पार्ट की बात कर रहा था, यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करनी है। उसके बाद जस्ट आगे जाके आपको यहाँ उसने कितना एजुकेशन कंप्लीट किया है, वो स्पेशलाइजेशन अगर किसी सब्जेक्ट्स वगैरह में हो तो वो आप दे सकते हैं। लास्ट एजुकेशन जो उसने अर्जित की है, वो कौन से ईयर में उसने पास आउट की है, वो आपको एंटर करना है। इसके बाद उसका लोकेशन, यानी कि उससे एड्रेस से संबंधित इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ लिखनी है। जहाँ का भी वो कैंडिडेट है उसकी आप यहां पर एड्रेस इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे। उसके बाद जस्ट अगला जो हमारा कॉलम है उसमें उसका जो व्यक्ति, उसका स्टेट, उसका डिस्ट्रिक्ट, उसका पिन कोड, और यहां चेक मार्क पे क्लिक करके और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ओके का मैसेज डिस्प्ले होगा, फिर उसको आप क्लिक करेंगे। इसके बाद जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपने इस फॉर्म में लिखी है, वहां एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहां लिखना है। और जैसे आप ओके करेंगे तो फिर एक मैसेज आएगा, उसे ओके करेंगे तो ये कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। इसे आप अपनी एक्सपर्ट रिपोर्ट अपने पैनल में जाके करके और उस स्टूडेंट को इस एक्सेल में देख भी सकते हैं कि आपका पंजीयन हुआ या नहीं। धन्यवाद, अच्छा लगा आप लोगों को ये जानकारी साझा करके, और उम्मीद है कि आप अपने यहाँ स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म के माध्यम से ज़्यादा बच्चों को आप रजिस्टर्ड करेंगे। विशेषकर आज भैया दूज के पावन पर्व पर डिजिटल मॉडल टाउनशिप बानसूर प्रोजेक्ट में 148 गांवों में जो 148 डीजीपी सखियां बनाई गई हैं, वो आज इस जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने गांव में जो लड़कियां हैं, विशेषकर जो भैया दूज का जो पर्व मना रही हैं महिलाएं, वो अपने अपने भाई का आज इसमें रजिस्ट्रेशन कर रही हैं। साथ में जो भाई हैं वो भी अपनी बहन को डिजिटल साक्षर होने का एक नया अवसर दे रहे हैं। साथ में आधुनिक भारत और तकनीकी जो विकास का जो पार्ट है, जो भविष्य की स्किल्स हैं, उनको सीखने का भी मौका दे पा रहा है। धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम विकास सैनी है। आज भैया दूज के अवसर पर मैंने अपनी बहन का आईवीएम पर रजिस्ट्रेशन किया है। इसमें कुल 7,500 कोर्सेस हैं। अगर मुझे आशा है अगर इन कोर्सों को वह कंप्लीट करेगी तो वह भविष्य में इसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी और वह अपने भविष्य में अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। धन्यवाद।